नमस्कार दोस्तों, मैं आरके ट्रेडिंग से रवि कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग में। दोस्तों आज तारीख है 22 जनवरी 2019 और समय शाम के 4:59:24 हो रहे हैं, यानी 5 बजने वाले हैं। हम लोग यहां निफ्टी बैंक में शामिल स्टॉक की एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कौन सा बैंकिंग स्टॉक्स किस लेवल पर खड़ा है, कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। उसके पहले दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों कुछ लोगों ने मेरे कहा कि पीएसयू बैंक की भी एनालिसिस कर दिया कीजिए। देखिए ये जो निफ्टी बैंक है ना, इसमें तो पहले प्राइवेट बैंक है ही, दूसरा पीएसयू बैंक भी है। वैसे पीएसयू बैंक है जिनका वेटेज ज़्यादा होता है, वैसे स्टॉक्स यहाँ पर शामिल है, जैसे कि यहाँ एज एग्जाम्पल SBI और PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे पीएसयू बैंक है, ठीक है ना। तो ये सारे पीएसयू बैंक है, पर इसके अलावा यहाँ प्राइवेट बैंक है, तो ये सारे लोगों इस बैंक को मिला के बनाया गया निफ्टी बैंक। अलग से पीएसयू बैंक के एनालिसिस अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ देखिए पीएसयू बैंक का जो मेरा वॉच लिस्ट है, मैं आपको यहाँ पे पीएसयू बैंक का वॉच लिस्ट दिखाता हूँ। वेट करेंगे थोड़ा सा दोस्तों। पीएसयू बैंक इसमें आता है अलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, IDBI, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक मेरे पहले से हैवी वेट स्टॉक के वाले में है, एनालिसिस उसकी कर देता हूँ, इसलिए यहाँ से उसे उठाता हूँ, नोट नहीं हूँ। PNB ऑटोमेटिक आ जाते हैं निफ्टी बैंक में, SBI ऑटोमेटिक आ जाते हैं निफ्टी बैंक में। इसमें जो बचता है वो है यूनियन बैंक बच जाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी आ जाता है आपका निफ्टी बैंक में, तो अलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक और ये यूनियन बैंक, सिंडिकेट बैंक, ये सारे बैंक बचते हैं। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में इन सबों को भी शामिल करने की, लेकिन आज फिलहाल मैं निफ्टी बैंक की ही सिर्फ एनालिसिस करूंगा। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी बैंक को देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला स्टॉक है हमारा एक्सिस बैंक का, निफ्टी बैंक में हमारा सबसे पहला स्टॉक है एक्सिस बैंक का। 200 DMA प्लॉट कर लिया, जो कि मैं हमेशा डेली चार्ट पर जरूर लगाता हूँ। इसके पास सपोर्ट है दोस्तों 650 रुपये का, इसके पास सपोर्ट, ये बिल्कुल 650 रुपये के पास, इसके पास बहुत अच्छा सपोर्ट है इस एक्सिस बैंक को। जब तक 650 के ऊपर बना हुआ है आप भी बने रहिए, 650 को अगर ये ब्रेक करेगा तो नीचे हमारा लेवल दिखा देगा 640 रुपये या 635 रुपये का। ऊपर हम लोग नया पोजीशन तब तक नहीं बनाएंगे जब तक ये 680 को ब्रेक ना करे, ठीक है। जब तक ये 670 को जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा, 670 को तब तक हम लोग कोई नया पोजीशन इसमें क्रिएट नहीं करेंगे। तो जब तक स्टॉक इस रेंज में फंसा हुआ इस बॉक्स में, तब तक आप इसमें कोई ट्रेड ना करें। नीचे अगर निकलता है 650 के नीचे तो शॉर्ट पोजीशन बनेगा, टारगेट हमारा 640 और 635 का होगा। अगर ऊपर निकलता है 670 का तो टारगेट हमारा 680 और 685 का होगा एक्सिस बैंक। और दोस्तों एक जानकारी और दे दूं आप लोगों को कि मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का नया बैच 2 फरवरी से शुरू हो रहा है और रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट 25 जनवरी तक है, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना है कोर्स तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं और 25 जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। अब कोर्स शुरू होगा, बैच शुरू होगा 2 फरवरी 2019 से, ठीक है, 2 फरवरी 2019 यानी 2 फरवरी 2019 से। तो ये जानकारी मैंने दी आप लोग। अगला स्टॉक है दोस्तों हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा का। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए जो 200 DMA आ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 125 का जो इसके पास हैवी रेजिस्टेंस है वो बार बार 125 से ही टकरा के, देखिए एक बार फर्स्ट टाइम यहाँ पे किया था, इसमें मैंने पोजिशनल व्यू भी बनाया था, इसने एक टारगेट अचीव किया, ये सेकंड टारगेट में इसका पसीना उतर गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं देगा, जब भी जाएगा ये जाएगा जरूर। थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे इसमें, अभी इसके पास एक ट्रेंड लाइन है नीचे, यानी अब जो स्टॉक आ रहा है धीरे धीरे इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है, जो कि इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बन रहा है 110 रुपये का, ठीक है। यानी 110 रुपये के पास से स्टॉक को एक बार बाउंस बैक लेना चाहिए। अगर स्टॉक इसके 110 रुपये के पास रुकता है तब तो ठीक है, नहीं अगर रुकता है वहाँ से नीचे ब्रेक कर देता है 110 रुपये को, तो फिर 102 रुपये के लेवल आपको देखने को, 102 और 103 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा में। अगला स्टॉक है दोस्तों फेडरल बैंक का। देखिए फेडरल बैंक के पास यही 200 DMA का सपोर्ट है, जो कि प्राइस आ रहा है 87.80 पैसे, तो उसी के ऊपर स्टॉक बार बार उसको ब्रेक करता है लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर देता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग उसके ऊपर देता है। तो जब तक 200 DMA के ऊपर फेडरल बैंक टिका हुआ है आप भी टिके रहिए, अगर ये निकलता है तो आप भी निकल जाइए। अगर ये 83 को ब्रेक कर देता है, अगर सॉरी 87 को ये ब्रेक कर देता है तो टारगेट हमारा 85 और 84 का होगा फेडरल बैंक में शॉर्ट साइड में, ऊपर की तरफ अभी कोई क्लियर पैटर्न नहीं है। अगला स्टॉक है दोस्तों HDFC बैंक का है, बैंकिंग स्टॉक में सबसे हैवी वेट स्टॉक है HDFC बैंक और ICICI बैंक। तो पहले HDFC बैंक को देख लेते हैं हम लोग।
एचडीएफसी बैंक एक 10 लाइन का सपोर्ट है, इसके पास हेवी सपोर्ट है इसके पास, ठीक है, 10 लाइन का हेवी सपोर्ट है, यानी जब तक इस 10 लाइन के ऊपर बना डरने वाली बात कुछ नहीं है। पॉजिटिव मूवमेंट इस स्टॉक में तभी आएगा, पॉजिटिव मूवमेंट इस स्टॉक में तभी आएगा जब इस येलो लाइन को यानी ऑरेंज लाइन को ये ब्रेक करेगा, यानी 2150 रुपये को। 2150 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको जब तक एचडीएफसी बैंक सब ब्रेक नहीं करेगा, हमारा टारगेट 2160 का, 2170 का नहीं मिल सकता है। हाँ, नीचे अगर ब्रेक करेगा 2115 रुपये को, तो फिर टारगेट हमारा नीचे खुल के आएगा 2090 का और 2180 का, याद रखिएगा एचडीएफसी बैंक। हमारा अगला स्टॉक है दोस्तों आईसीसी बैंक, मैंने कहा ना निफ्टी बैंक में सबसे हैवी वेट स्टॉक एचडीएफसी बैंक और आईसीसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक को देख लिया, अब आईसीसी बैंक भी देख लेते हैं। आईसीसी बैंक ने बिल्कुल 52 वीक हाई लगाया, कंटिन्यू अप ट्रेंड में रहा, ऊपर एक लॉन्ग लेग डोजी बनाया और अब नीचे की ओर चला आ रहा है, ठीक है, नीचे की ओर चला रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात अभी इसमें नहीं है। इसके पास भी जस्ट इसी तरह से जैसे एचडीएफसी बैंक को 10 लाइन का सपोर्ट है, उसी तरह इसको भी है। इस 10 लाइन के ऊपर अगर जब तक है, यानी 365 रुपए के ऊपर जब तक ये स्टॉक बना हुआ है, 365 रुपए के ऊपर, तब तक आप बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर हमारा टारगेट जो निकल के आएगा वो 355 रुपए का निकल के आता है आईसीआईसीआई बैंक में। ऊपर जब तक ये ब्रेक ना करे 380 को, हम लोग कोई नया पोजिशन नहीं बनाएंगे आईसीआईसीआई बैंक में। ये आईडीएफसी बैंक, शायद मुझे लगता है आईडीएफसी बैंक जो मर्ज हो गया ना कैपिटल फर्स्ट में, इस वजह से इसके प्रॉब्लम, आईडीएफसी फर्स्ट हो गया उस बैंक का नाम ना, चलिए कोई बात नहीं, उसको बाद में देखेंगे। इंडसइंड बैंक है हमारा अगला स्टॉक, मैं इतना ड्रॉ कर देता हूँ ना। देखिए इंडसइंड बैंक ने इस ट्रायंगल का ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद इसने अच्छा मूवमेंट दिया। हमारा ये टारगेट जो था, मैंने कहा था कि जब ये 1530 को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो टारगेट निकल के आएगा 1475 रुपये का, इसने 1475 का टारगेट अचीव कर दिया। अब स्टॉक के लिए यही 10 लाइन जो है इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस, अब इसको मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, ठीक है, अब इस 10 लाइन को मैंने ऐसे मूव करा दिया, सिंपल, ठीक है, इस 10 लाइन को अब मैंने ऐसे मूव करा दिया और इसको इस तरह से मूव करा देना। अब जब तक इस 10 लाइन के ऊपर स्टॉक बना है 1463 के ऊपर, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हाँ, ब्रेक कर देता है अगर 1460 को, 1455 को ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट निकल के आएगा 1430 रुपये का। ऊपर की तरफ जाने में इसे भी बहुत हैवी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, कम से कम इसे ब्रेक करना पड़ेगा 1565 रुपये को, तभी इंडसइंड बैंक में कुछ पॉजिटिव मूवमेंट आ सकता है, उसके पहले कि नो ट्रेडिंग जोन में। कोटक बैंक 4 दिनों से कंटिन्यू, शायद इसका क्या रिजल्ट वगैरह है क्या पता नहीं, मैं उतना दिमाग नहीं लगाऊंगा, चलिए इसमें रिजल्ट रहे ना रहे, 4 दिनों से कंटिन्यू अप मूवमेंट में चल रहा है। जरा हम लोग पीछे जाके देखेंगे ये क्या क्या रहा है, पीछे जाके हम लोग देख रहे हैं स्टॉक बिल्कुल इसी जगह पे रजिस्टेंट था, प्रीवियस रजिस्टेंट, ठीक है, और आज स्टॉक बिल्कुल उसी के पास में जाके खड़ा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, यानी कि 1290 रुपये पास, वापस से यहाँ रेजिस्टेंस लिया और वापस से 1290 आ गया, यानी उसी रेजिस्टेंस के पास गया। अब कल इसके हाई के ऊपर अगर ये निकल जाता है 1291 92 93 94 95 ये सब के ऊपर निकल जाता है, या आज जो इसने हाई बनाया 1310 रुपये का लगभग, उसके ऊपर ट्रेड करता है तो टारगेट निकल के आएगा 1345 रुपये का कोटक बैंक में। नीचे की तरफ अगर, नीचे तो अभी कोई पोजिशन क्लियर नहीं है, तो नीचे की तरफ हमारा कोई व्यू नहीं, सिर्फ ऊपर की तरफ व्यू है। ऊपर जब 1310 को ब्रेक करेगा टारगेट 1345 का निकल के आएगा इंडसइंड बैंक। अगला स्टॉक है दोस्तों सॉरी कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक बोला, इंडसइंड बैंक अगर 1310 को ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ तो टारगेट निकल के आएगा 1345 का कोटक बैंक, ठीक है। अगला स्टॉक है हमारा पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने ब्रेकडाउन दे दिया, जो सपोर्ट प्राइस था 80 रुपए का, इसने ब्रेकडाउन दे दिया नीचे की तरफ, जो टारगेट अब निकल के आ रहा है 77 रुपीज का आ रहा है, तो ये अब इसको अगर बाउंस बैक लेना होगा तो वापस ये 77 के पास एक बार ये रुकेगा आके, उसके बाद यहाँ से हो सकता है एक बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी। सो अगर ये 77 को भी ब्रेक करता है तो टारगेट निकल के आएगा 75 का। अगला स्टॉक है दोस्तों आरबीएल बैंक। देखिए आरबीएल बैंक बिल्कुल रेंज बाउंड स्टॉक हो चुका है अभी फिलहाल, कुछ तो बात है इसमें, एक ही जगह से कहीं हिल नहीं रहा, ऊपर ब्रेक करने दीजिए 590 रुपये को, जब तक ये ब्रेक नहीं करता है तब तक हम लोग कोई लॉन्ग नहीं बनाएंगे, और नीचे अगर ये ब्रेक नहीं करता है 560 रुपए का तब तक कोई शॉर्ट नहीं बनाएंगे, जब तक स्टॉक इस रेंज में फंसा हुआ है इससे दूर रहिए। अगला स्टॉक है एसबीआई, ये तो पता नहीं क्या करेगा। एसबीआई कंटिन्यू नीचे आ रहा है, कंटिन्यू नीचे आ रहा है, अब ये 200 डीएमए को टेस्ट करने के लिए आ रहा है, जो कि 280 रुपए का इसका टारगेट निकल के आ रहा है, ठीक है। तो एसबीआई में अगर आप लोगों ने शॉर्ट पोजिशन बनाया तो बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 280 रुपए का इसका शॉर्ट साइज में टारगेट होगा। ऊपर अगर ये ब्रेक कर देता है 293 रुपए का, अगर ये 293 को ऊपर की तरफ निकलता है तो आप लोग निकल जाइएगा, 293-94 के पास अगर आता है तो आप निकल जाइए, क्लोजिंग होनी चाहिए 293 के ऊपर, याद रखिए क्लोजिंग होनी चाहिए, तब जो टारगेट निकल के आएगा वो 297-98 का आएगा। हमारा अगला बैंकिंग स्टॉक है दोस्तों यस बैंक, न्यूज बेस्ड स्टॉक है बिल्कुल, अभी
तो इस टॉक से मैं भी दूर रहने की सलाह दूंगा। बस एक ट्रेंड लाइन का अच्छा खासा इसको सपोर्ट है, अगर उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो स्टॉक में और गिरावट आ सकती है, लेकिन अभी मेरा इसमें कोई भी व्यू नहीं है, ये नो ट्रेडिंग जोन में है क्योंकि ये न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है। तो दोस्तों ये था मेरा अपना निफ्टी बैंक में शामिल स्टॉक की एनालिसिस। अगर एनालिसिस पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और फिर से रिमाइंड करा दूं मेरा इंटरडे ट्रेडिंग कोर्स का नया बैच 2 फरवरी से शुरू हो रहा है, 2 फरवरी से, और रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 25 जनवरी। अगर जिन्हों को कोर्स ज्वाइन करना है आप 25 जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।